नमस्कार दोस्तों, आपने अपने बचपन में वो खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कैसे एक रेस में कछुआ धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस रेस को जीत जाता है, तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में विक्रांत मैसी की। आज के टाइम पे विक्रांत मैसी को हर कोई जानता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्हें फिल्में पसंद है और जो विक्रांत मैसी को नहीं जानता होगा। और जाने भी क्यों ना, आखिर विक्रांत है ही इतने वर्साटाइल एक्टर। 2023 की सबसे बेस्ट मूवी रही 12th Fail, जिसमें विक्रांत मैसी ने अपनी एक्टिंग से पूरे देश में सबका दिल जीत लिया। इस मूवी में IPS मनोज शर्मा की लाइफ की जर्नी दिखाई गई है और इस रोल को विक्रांत ने बखूबी निभाया। इतना ही नहीं, इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते और विक्रांत को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो चलिए थोड़ा विक्रांत के बारे में भी जान लेते हैं। विक्रांत का जन्म 3 अप्रैल 1987 नागबीर महाराष्ट्र में हुआ। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता का नाम जॉली मसी और उनकी माता का नाम आमना मसी है। विक्रांत अपने मम्मी पापा और अपने एक बड़े भाई के साथ मुंबई के एक 1BHK फ्लैट में रहा करते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा सेंट एंथनीज हाई स्कूल मुंबई में हुई। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रेजुएशन RD नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से कंप्लीट की। विक्रांत को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वे पढ़ाई में एवरेज थे। विक्रांत अपने स्कूल में हर डांस और एक्ट में पार्ट किया करते थे, जिनसे उन्हें पूरा स्कूल पहचानता था। विक्रांत ने पढ़ाई करते करते ही थिएटर स्टार्ट कर लिया था। विक्रांत जब 17 साल के थे, तब उन्हें पहली बार 2004 में टीवी में डेब्यू करने का मौका मिला। वो भी एक सीरियल में एक साइड कैरेक्टर था और वो सीरियल था कहाँ हूँ मैं। विक्रांत ने टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू तो कर लिया, पर उन्हें अभी वो पहचान नहीं मिली थी जिस पहचान की वो तलाश में थे। फिर उन्हें एक बार और मौका मिला बालिका वधु में श्याम की भूमिका निभाने की। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे विक्रांत ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में साइड कैरेक्टर का रोल प्ले किया। उनके कुछ टीवी सीरियल्स थे धर्मवीर, कबूल है, फिर उसके बाद एक और सीरियल आया बाबा ऐसो वर ढूंढो, जिसमें वे लीड एक्ट्रेस के अपोजिट में थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे विक्रांत को पहली बार फिल्मों में काम करने का मौका मिला और वो फिल्म थी 2013 में आई लुटेरा। इस फिल्म में विक्रांत ने देवदास मुखर्जी का किरदार निभाया। और ऐसे ही कुछ कुछ वेब सीरीज और अलग अलग फिल्मों में काम करते हुए विक्रांत आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्हें थोड़ी अच्छी पहचान मिली मिर्ज़ापुर में बबलू पंडित के किरदार से। फिर वो दीपिका के साथ छपाक मूवी में उनके अपोजिट नज़र आए। विक्रांत के परफॉर्मेंस की तो हमेशा तारीफ होती थी, पर अभी तक उन्हें वो पहचान नहीं मिली थी। उनका संघर्ष अभी भी जारी ही था। इसी बीच विक्रांत ने साल 2022 में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर से शादी कर ली। इसी बीच विक्रांत बहुत सारे मूवीज़ कर ही रहे थे, वे बहुत सारे वेब सीरीज भी कर ही रहे थे, पर एक टाइम पे जाके उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें मिल गई उनके लाइफ की बेस्ट मूवी, जो कि है 12th Fail। इस फिल्म ने चारों तरफ धमाल मचा के रख दिया। विक्रांत ने इस फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग की और इतनी नेचुरल एक्टिंग की, ऐसा लगा ये उनकी खुद की लाइफ स्टोरी हो। और लोगों ने भी उनकी परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया। ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज़ हमेशा बननी चाहिए। ऐसी मूवीज़ बनती हैं तो हमारे यूथ्स बहुत कुछ सीखते हैं। इस मूवी से स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लाइफ में हारी हुई रेस भी हम अगर चाहें तो अपने हार्डवर्क से ज़ीरो से रीस्टार्ट कर सकते हैं और उसमें विनर भी बन सकते हैं। ऐसे ही विक्रांत को भी अपने हार्डवर्क से वो पहचान मिल ही गई जिसकी वो हमेशा तलाश में थे। विक्रांत को बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर का अवार्ड मिल गया। वो कहते हैं ना,
जिंदगी में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी उसका फल आपको जरूर मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।